नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ मॉडल स्कूल में। आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ सजावट हो रही है, बारिश का मौसम, सजावट। आज बात इसको लेकर क्या है खास आज इस स्कूल में, मॉडल स्कूल में। हमारे साथ प्राचार्य हैं, प्राचार्य ये बाद में है, 1978 जब ये स्कूल धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, उस समय के छात्र। आज सबसे पहले बात इन्हीं से, आपने जब आप पढ़ा करते थे तो क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ प्राचार होंगे और आज क्या आयोजन करेंगे, उसके बारे में बताइए। प्राचार होंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसके पहले मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि जिस समय ये स्कूल खुला था कि मैं इस विद्यालय में पढ़ पाऊँगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इसमें टेस्ट दिया और पास हुआ। पास होने के बाद यहाँ पढ़ा और पढ़ने के बाद ही मेरे जीवन की धारा बदली और पढ़ते पढ़ते मैं आज अपने कैरियर के इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि मैं आज ईश्वर की कृपा से आज मैं इस विद्यालय का। हमारे दर्शकों को आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं 1975 में इस विद्यालय में प्रवेश लिया था और 1978 में मैं यहाँ से पास होकर आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से आगे चला गया। बात हो रही थी ये सजावट की, सजावट। मैंने आपका नाम, आपका परिचय इसीलिए नहीं बताया कि मैं आपसे जानना चाहता था कि वाकई आप यहाँ के छात्र थे या नहीं थे। अब आपने बता दिया आप प्राचार्य हैं, तो कल परसों या भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं स्कूल को लेके, स्कूल में क्या खास होने जा रहा है? मैं इस विद्यालय का ऋणी रहा हूँ और सौभाग्य से मैं इस पर प्राचार्य बनने के बाद मुझे मैंने देखा कि ये एक जुलाई 1923 को इसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मैंने ये अपने साथियों से मिलकर, पूर्व छात्र जो थे यहाँ के पढ़े हुए थे, उनसे सब मिलकर एक सहमति जाहिर की कि हम इस विद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह मनाना चाहते हैं और इसके गौरवशाली इतिहास को आने वाली भविष्य में जो आने वाले छात्र छात्राएं उनको एक विरासत में कुछ सौंपना चाहते हैं पुराने छात्रों को लेकर। तो फिर बात पुराने छात्रों से भी करना जरूरी है कि उन्होंने क्या सोच रखा है, क्या नाम है, कब आप पढ़ा करते थे, क्या करने जा रहे हैं। मेरा नाम दीपक निगम और मैं 78 में पास आउट हुआ। आज सौभाग्य है कि मैं इस कार्यकारिणी में सचिव का दायित्व सौंपा गया है और हम लोगों ने जो प्रोग्राम है 1 तारीख को तो इनिशिएट हो रहा, इसका जो मेजर इवेंट होगा वो होगा दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें हम लोगों ने 2 दिन का दिसंबर जनवरी की बाद में करेंगे। फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने, आपने 78 बताया, आपने भी 78 बताया, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग साथ ही पढ़ा करते थे, पढ़ाई करने के बाद आप लोग आज एक बार फिर से एकत्र हुए काले स्कूल का गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए? बिल्कुल, हम लोग एक अंदर से बहुत गौरव अनुभव हो रहा और उत्साह हर चीज़ है और कल के लिए जो प्रोग्राम हम लोग का परसों है प्रस्तावित, उसके लिए हम लोग प्रतीक्षा है। और परसों एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, उसी को लेके जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टेंट क्यों लग रहा है इसके बारे में मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। तो अब इनने बता दिया है स्वर्ण जयंती समारोह स्कूल का मनाया जा रहा है और मना कौन रहा, उसी स्कूल के पहले बैच के छात्र जो आज यहाँ पर प्राचार्य हैं और आयोजक की भूमिका में भी हैं। आप कब पढ़ा करते थे, अपने बारे में बताइए। मैं नीरज खरे, मैं 92 में यहाँ से 12th मैंने पास आउट किया है और इस एसोसिएशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और संयोग से इस मंडल द्वारा संचालित बोर्ड में मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ और हम सभी सीनियर्स के मार्गदर्शन में 1 जुलाई को हम ये कार्यक्रम 1 जुलाई को हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तीनों लोग इसी स्कूल के छात्र, अब आयोजक की भूमिका में प्राचार्य सहित ये 2 लोग आयोजक की। तो 1 तारीख को क्या है कार्यक्रम, कार्यक्रम के बारे में बताइए। 1 तारीख के कार्यक्रम से बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो एंकरिंग कर रहे हैं वो भी इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, ये उनका भी इस विशेष योगदान है इस कार्यक्रम का आयोजन में सहयोग देने के लिए। 1 तारीख के कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती समारोह का प्रथम कार्यक्रम है और पूरा कार्यक्रम साल भर चलेगा। इसमें हमारे माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि इस विद्यालय के जो पूर्व छात्र थे श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे और उनके साथ हमारे जनार्दन मिश्रा जी जो हमारे जिले के सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में
शरीक होंगे और हमारे कार्यक्रम की गौरव परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे स्कूल की गौरव परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लोगों को मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे फिर से दिखाना चाहूँगा। इस स्कूल के छात्र जैसे ही इन्हें स्कूल छोड़ा, मेरी ये स्कूल जिसको मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है अपने स्वर्ण जयंती समारोह को मना रहा। जैसा कि इन्होंने बताया, राजेंद्र शुक्ल जो यहाँ पर एक मुख्य अतिथि की हैसियत से मौजूद होंगे, वो भी 78 में इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। अब देखना है 1 जुलाई को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।